Hello everyone, I am Sudhanshu here and today I am going to discuss about the complete book list for UPSC Civil Service Examination. और आज मैं UPSC Civil Service Exam के लिए बुक लिस्ट बताने जा रहा हूँ जो टॉपर्स के द्वारा रिकमेंडेड हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा पूछते हैं कि कौन सा बुक पढ़े जिससे UPSC आसानी से क्वालिफाई हो जाए और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए। तो आज मैं जो बुक बताने जा रहा हूँ वो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको पढ़ने के बाद आपका कम्प्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पॉलिटी की मैं बात करता हूँ तो पॉलिटी के लिए बहुत सारे बुक हैं लेकिन सिंगल एक बुक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ जो प्रीलिम और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत और इसका आपको 6 एडिशन पढ़ना है। मैं यहाँ पर एडिशन बताया हूँ क्योंकि ये लेटेस्ट एडिशन है और इसमें अपडेटेड जो भी डेटा है वो बताया गया। ओके, अब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इंडियन इकोनॉमी जो एक ऐसा पोर्शन है, ऐसा पेपर है जो डायनामिक बोला जाता है। UPSC में इसे डायनामिक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें जो भी इकोनॉमिक के जो भी करेंट इशूज होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको कवर करने के लिए मैं यहाँ पे सेकेंड और थर्ड, सबसे पहले देखिएगा मैक्रो इकोनॉमिक NCERT 12 और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट NCERT क्लास 11, ये दोनों को आपको पढ़ना है। ये दोनों पढ़ने से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर आपका बेसिक लगता है कि नहीं मेरे को और कॉन्सेप्ट चाहिए, थोड़ा डीप चाहिए, तो इसके बाद आप लक्ष्मीकांत का बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन लक्ष्मीकांत का 11th एडिशन जो अपडेटेड वर्सन है उसको आपको पढ़ना है। उससे पहले का जो भी है वो भी सही है लेकिन 11th जो है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी चेंज किया गया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपका फोर्थ नंबर पर जो बताया गया, देखिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे में आपको कंप्लीट सर्वे नहीं पढ़ना, उसमें सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना जो प्रीलिम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद द हिंदू आप लोग रेगुलर पढ़ते ही होंगे और जो नहीं पढ़ते हैं वो पढ़ना बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि द हिंदू में जो भी इकोनॉमिक पॉइंट होते हैं, जो भी इकोनॉमिक न्यूज़ होते हैं उसका आप लोग नोट्स बनाते जाइए, वहाँ से क्वेश्चन आपसे आपका डायरेक्टली पूछा जाता है। उसके साथ साथ आप मोरनाल का वेबसाइट भी देख सकते हैं और इंटरनेट से भी आप कॉन्सेप्ट या हेल्प ले सकते हैं जिसमें सबसे पहले अर्थपेडिया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ से इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बोलने का मतलब ये होगा कि अर्थपेडिया जो है जहाँ पे बहुत आसानी तरीके से सब कॉन्सेप्ट को बताया गया, तो आपको आई थिंक ये भी आपको हेल्प करेगा। एंड गूगल यूट्यूब तो आपको हेल्प करता ही है। तो सबसे पहली बात, इसको अगर समराइज करें इकोनॉमी के लिए तो 11th and 12th का बुक और साथ साथ रमेश सिंह नोट मैंडेटरी, बस अगर आपको लगता है कि और नॉलेज चाहिए, डीप नॉलेज चाहिए, तब इसको पढ़ना है। ओके, और इकोनॉमिक सर्वे बजट, इससे आपका इकोनॉमी पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री अगर UPSC दृष्टिकोण से बात करें तो उसमें तीन होते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए सिंगल एक बुक पढ़ना जिसका नाम है ओल्ड NCERT बाय RS शर्मा, जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है। मिडिवल के लिए भी ओल्ड NCERT बाय सतीश चंद्र पढ़ना है। ओके, और मॉडर्न के लिए यहाँ पे मैंने 3 सोर्सेज दिया हूँ जिसमें है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन, जिसके राइटर हैं राजीव भाई, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये बहुत अच्छी बुक है और इससे क्वेश्चन और इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिससे क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये ऑप्शनल है, मतलब बोला जा सकता है कि मैंडेटरी नहीं, मैं बता रहा हूँ। NCERT बाय बिपिन चंद्रा, ये आपको 12th क्लास का एक NCERT बुक आता है मॉडर्न हिस्ट्री का, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ये तीनों में बात करें कि आपके पास कम टाइम है और आप चाहते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करना, तो मैं रिकमेंड करूँगा फर्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन राजीव बहिर का, उसको बिल्कुल पढ़ना है। ओके, ये आपका हिस्ट्री हो गया। अब आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि क्लास 11th का जो है NCERT आपको पढ़ना है, जो रेड कलर का कवर का अभी बुक आती है, तो उससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आर्ट एंड कल्चर का क्लियर हो जाएगा, जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। उसके बाद आपको चैप्टर्स रिलेटेड टू कल्चर इन एंशियंट एंड मिडिवल इंडियाज NCERT। अभी मैंने बताया था हिस्ट्री के लिए एंशियंट और मिडिवल, तो वहाँ से आपका क्या होगा कि एंशियंट मिडिवल से आपका कल्चर का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा NCERT बुक पढ़ने के बाद। और इसके साथ साथ आप आर्ट एंड कल्चर के लिए CCRT का वेबसाइट को देख सकते हैं, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, एक CCRT है जिसपे जो भी रिसेंट अपडेट होते हैं आर्ट एंड कल्चर के उस पर मिल जाएंगे, इसको आपको रेगुलर विजिट करना चाहिए। उसके बाद फोर्ट हेरिटेज क्राफ्ट, ये सब भी आपको जो भी NCERT में जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मिले उसको आपको नोट डाउन करना है।
तो मैं बात करूँ अब इसमें आर्ट एंड कल्चर में क्या पढ़ना मैंडेटरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, वो एनसीईआरटी का बुक रहेगा और सीसीईआरटी का वेबसाइट रहेगा। और यहाँ ये जो एनसीईआरटी होती है हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो यहाँ भी आपको हेल्प करेगा। उसके बाद है इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, इसके लिए भी मैं सिंगल एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ जिसका नाम शंकर आइस बुक। ये देखा जाए ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका फीडबैक भी बहुत अच्छा रहा। और इस बुक के जो लास्ट कुछ पेजेज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे COP24 का सम्मेलन कहाँ हुआ या सेंचुरी पार्क क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो सभी जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो ये बुक को कम्प्लीट पढ़ना और पीछे का जो भी इंपॉर्टेंट पेजेज हैं उसको आपको याद कर लेना, जिससे आपका इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब जनरल साइंस की बात करें तो इसमें देखिए 9th और 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होते हैं कि जो भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाते हैं, उसके लिए आपको द हिंदू पढ़ना चाहिए। द हिंदू में जो भी लेटेस्ट साइंटिफिक टर्म्स हैं, डिस्कवरीज हैं, इन्वेंशंस हैं, जो भी न्यूज़ में मेंशन है उसको आपको क्या करना, नोट डाउन करके एक मटेरियल बनाना है और वहाँ से आपको कवर करके जनरल साइंस का प्रिपरेशन करना है। तो जनरल साइंस के लिए क्या करना है, बेसिक एनसीईआरटी भी पढ़ना और बायोलॉजी का एक एनसीईआरटी 12th क्लास का, उसका कुछ चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। अगर आप वो सब भी नहीं पढ़ते हैं तो मार्केट में एक साइंस का एक कंपाइलेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का आप लेके पढ़ सकते हैं, वो भी आपका कवर करवा देगा। उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए मैंने यहाँ पे बताया कि एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी 11th और 12th का 2 NCERT और 12th का भी 2 NCERT, टोटल 4 मैनुअल हो गया, इसको आपको पढ़ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग, ये आपके लिए ऑप्शनल में बताता हूँ, मैंडेटरी नहीं है। इसके कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो अगले लेक्चर में बताऊँगा, अगर आप इसको नहीं भी पढ़ते हैं तब उसके बावजूद कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 4 NCERT आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ मान लेते हैं आपका कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, किसी में डाउट हो रहा है, इसके लिए PMF IAS जो है एक्सेलेंट सोर्सेज है, जिस पे आप जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक या आपका डाउट है उस पर जाकर समझ सकते हैं, उसको बहुत आसानी तरीके से उस साइट पर बताया गया। इसके साथ साथ मैं एटलस यहाँ बताऊँ, एटलस जो है वो कोई भी आप एटलस ऑक्सफोर्ड का या कोई भी मार्केट में जो भी एटलस आपको सही लगे ले सकते हैं, उसको आपको केयरफुली ध्यान से देखना है, मैप देखना है और वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी न किसी तरीके से वहाँ से क्वेश्चन यूज करके एग्जाम में पूछ लेते जाते हैं। तो ये ज्योग्राफी का रिसोर्सेज हो गया। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम, ये गवर्नमेंट स्कीम मैं अलग से बता रहा हूँ, इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 1 ईयर में जो भी गवर्नमेंट स्कीम है या पुराने जो भी अभी चलते आ रहे हैं, जैसे जनधन योजना या कोई भी स्कीम, तो वो आप क्या करना है उसको अच्छे से पढ़ना है, उसका रिसोर्सेज देखना है, उसके बारे में डिटेल समझना। उसके लिए अगर आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है और आपको लग रहा है कहाँ से पढ़े, तो उसके लिए किसी भी कोचिंग का कंपाइलेशन जो आता है एग्ज़ाम PT एग्ज़ाम जो 3 मंथ पहले मार्केट में मिल जाते हैं, तो वो आप PT 365 जैसे विजन का हो गया, इनसाइट का हो गया, शंकर का, कोई भी कोचिंग का आप लेके उसको आसानी से पढ़ सकते हैं और वो आपका कवर करवा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जनरल टॉपिक्स, जनरल टॉपिक में देखिए ग्लोबल ग्रुपिंग हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस होंगे, रैंकिंग हो गए, ये कुछ क्वेश्चन जो हैं प्रत्येक साल आते ही आते हैं, जैसे पूछा जाएगा वर्ल्ड बैंक के अनुसार इंडिया का रैंकिंग क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करती है, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन जो होते हैं देखा जाए तो प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। तो ये आप किसी भी कोचिंग मटेरियल से लेकर जो मार्केट में आते हैं उससे आपका कवर हो जाएगा। करेंट अफेयर्स, बहुत सारे बच्चे का ये क्वेश्चन आता है करेंट अफेयर्स का मैं प्रिपरेशन कैसे करूँ, तो करेंट अफेयर्स के लिए देखिए वैसे बच्चे जो दो हिंदू रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं, और मेरा जो कुछ लेक्चर इसमें मैंने इस चैनल पे डाला था उसका मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया था और मैंने ये बताया था कि लास्ट ईयर करेंट अफेयर्स कहाँ से पूछे गए थे, द हिंदू में किस डेट में कहाँ से कौन ऑथेंटिक सोर्सेज था। तो आप देखेंगे अगर वीडियो, मैं यहाँ पर लिंक दूंगा, नहीं तो आप लोग बहुत सारे बच्चे देखे भी हैं, और जो नहीं देखे हैं, जो आज फर्स्ट टाइम मेरा ये लेक्चर देख रहा है, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देखिए जरूर। तो द हिंदू से आपका बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो द हिंदू को पढ़ते हैं ठीक है, अगर जो बच्चे लग रहा है कि 1 ईयर से नहीं पढ़ रहे हैं, अब एग्ज़ाम है अब क्या करें, तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि कोचिंग का मटेरियल के लिए PT 365 आपके लिए रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी कोचिंग का PT 365 प्रीलिमिनरी बूस्टर आप लेके पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं। अब है CSET, बहुत सारे बच्चे के मन में रहता है कि CSET का प्रिपरेशन कैसे करें, आर्ट्स वाले बच्चे को लगता है कि मेरा कैसे क्वालिफाई होगा, इंजीनियरिंग वाले बच्चे को लगता है ये बहुत ईजी है। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे जो बच्चे इंजीनियरिंग वाले हैं जिनका फर्स्ट पेपर में अच्छा मार्क्स आता, सेकेंड क्वालिफाई नहीं कर पाता, इसलिए इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। तो CSET के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे प्रीवियस पेपर,
2011 में जब सीसेट शुरू हुआ तो उसके बाद कंटिन्यू 2019 तक ये पेपर रहा है। तो आप ये जितने भी ईयर के क्वेश्चन हैं उसको एनालिसिस करेंगे, प्रीवियस पेपर को एज ए मॉक आप दीजिए और उसमें देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रीवियस पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीसेट पॉइंट ऑफ व्यू से। जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है लेकिन सीसेट की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ सीसेट के लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब रही बात प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस पेपर आपको देना चाहिए। प्रैक्टिस पेपर के लिए जैसे ऑक ब्रिज की एक बुक आ रही है जो एक्सपर्ट टीम के द्वारा डेवलप किया गया और कंपाइल किया गया, तो वो बुक भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उसके कुछ प्रीवियस पेपर और उसमें प्रीवियस पेपर भी और प्रैक्टिस पेपर भी है, तो उसमें आप प्रैक्टिस पेपर मॉक जैसे दे के आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बताऊँगा कि प्रीवियस पेपर एंड प्रैक्टिस पेपर इज सफिशियंट फॉर द सीसेट पेपर, ओके एंड ऑल द बेस्ट। और लास्ट मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ये सब करने के बाद आप एग्ज़ाम से पहले 2-3 मंथ पहले आप मॉक टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, जितना हो सके टेस्ट सीरीज 40-50 टेस्ट सीरीज एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना। उसके बाद आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। और ये सोर्सेज को, ये नहीं कि आप हिस्ट्री के लिए बुक मान ली, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा जी पर स्पेक्ट्रम, मतलब सिंगल एक रिसोर्स है जो मैंने बताया, बस उतनी बुक को आप बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, अच्छा बिल्डअप हो जाएगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।